हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये सुपर सिंपल मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ, जो आप कहीं पे भी किसी भी पार्टी फंक्शन या इन जनरल भी कैरी कर सकते हो। आई होप आपको ये मेकअप लुक पसंद आएगा। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ आई मेकअप से, जिसके लिए मैंने यहाँ स्विस ब्यूटी का ये कंसीलर लिया है। ये कंसीलर मेरा काफ़ी फेवरेट कंसीलर है गाइस, बहुत अफोर्डेबल है, 200 या 250 के अराउंड ये कंसीलर आता है और इसकी कवरेज बहुत ज़बरदस्त है। जैसा कि आप देख सकते हो कि मुझे बहुत सारे डार्क सर्कल्स हो गए हैं, तो इन्हें ये इतने अच्छी तरीके से हाइड कर देगा ना कि यू गाइज वोंट इवन बिलीव कि इतना, मतलब अफोर्डेबल कंसीलर इतना अच्छा काम कर सकता है। एंड ऑल्सो गाइज, आप अगर सोच रहे हो मेरे लिप्स के अराउंड ये रेडनेस कैसी है, तो मैंने वीडियो शूट करने से जस्ट पहले रियलाइज़ किया दैट आई हैव टू डू माई अपर लिप्स, तो मैंने वो उसे थ्रेडिंग वहाँ पे की थी, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा रेडनेस है, बट इट विल बी फाइन आफ्टर सम टाइम। सो यहाँ पे अब मैं कंसीलर को सेट करने के लिए मेबेलिन फिट मी का ये कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करूँगी, ताकि मेरा कंसीलर अच्छे से सेट हो जाए और मेरा आई बेस जो है वो मेरे आई शेडो अप्लाई करने के लिए बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाए। ये कॉम्पैक्ट भी गाइज काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अफोर्डेबल भी है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। सो नाउ अब हम अपने आई शेडो से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने ये मेकअप रेवोल्यूशन का आई हार्ट चॉकलेट आई शेडो पैलेट लिया है, उसमें से मैं सबसे पहले ये बिल्कुल लाइट ब्राउन शेड लूँगी और इसे मैं अपने क्रीज पे प्लेस कर दूँगी। अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ मैं, ताकि वो आगे मतलब बिल्कुल बहुत ही सीमलेस लगे। और मैं अपना पहले यहाँ पे क्रीज रेडी कर रही हूँ, बिकॉज मेरी हुडेड आइज़ है, तो मुझे थोड़ा सा क्रीज बिल्ड करने में टाइम लगता है, सो दैट्स वाई, एंड ब्लेंडिंग इज़ द की गाइज। और उसके बाद मैं अब अपने लाइक पूरे लिड एरिया पे कवर करने के लिए डार्क ब्राउन शेड मैंने लिया है, इसे मैं अपने क्रीज से थोड़ा सा नीचे प्लेस करूँगी और अपने ओवरऑल आईलिड पे भी लगा लूँगी। मैं अपने आउटर कॉर्नर्स को थोड़ा ज़्यादा स्मोक आउट करने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज अंदर मैं ग्लिटर लगाने वाली हूँ एंड आई वॉन्टेड थोड़ा सा ब्राउनिश स्मोकी लुक। अब मैं यहाँ पे ये ग्रीन कलर का, बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर का एक फॉइल ग्लिटर है, वो मैं लगाऊंगी इस पैलेट से। और इसकी पिगमेंटेशन बहुत ज़बरदस्त है गाइस इस पैलेट की। इसका रिव्यू भी मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, अगर आप देखना चाहते हो तो आप चेकआउट कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मैं अपनी फिंगर्स की हेल्प से इसलिए लगा रही हूँ इस फॉइल को, बिकॉज फिंगर्स से लगाने से काफ़ी अच्छी पिगमेंटेशन आती है, ब्रश से काफ़ी सारा ग्लिटर प्रोडक्ट वेस्ट हो जाता है और अच्छे से अप्लाई भी नहीं होता है। इसीलिए आई ऑलवेज ट्राई टू यूज़ माई फिंगर, ताकि पिगमेंटेशन भी अच्छी आए और मेरा कंट्रोल भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है आई शेडो के ऊपर। मैंने ये दूसरी आईज पे भी ऑफलाइन ये लगा लिया था आई शेडो। अब हम मैं लगाऊंगी इसमें ये नायका की गेटिंग आईलाइनर। ये स्केच आईलाइनर है और ये भी काफ़ी अमेजिंग आईलाइनर है गाइस, बहुत ही अच्छे से प्यार से अप्लाई हो जाता है। एक्चुअली मुझे बहुत डर लगता है आईलाइनर लगाने में, बिकॉज डे टू डे लाइफ में मैं काफ़ी कम आईलाइनर यूज़ करती हूँ, बहुत टाइम लगता है और प्लस मुझे बहुत आलस आता है। एक्चुअली मैं बहुत लेजी हूँ गाइस, मुझे बहुत शर्म आती है ये बोलते हुए, बट येस। सो अब मैं इसमें से ये हाईलाइटिंग शेड लूँगी और इससे मैं अगेन अपनी फिंगर से अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट करूँगी, ताकि वो एक अच्छा सा प्यारा सा इफेक्ट आ जाए ब्राउज़ के ऊपर। एंड नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फेस मेकअप से। तो सबसे पहले मैं एक फ्लफी ब्रश लेकर के अपने जो भी मेरा ग्लिटर का फॉल आउट हुआ है उन सबको रिमूव करूँगी, एंड देन आई विल पुट ऑन द प्राइमर। दिस इज़ लॉरियल का बेस मजीक प्राइमर। ये काफ़ी अच्छा प्राइमर है, जिनके काफ़ी बड़े पोर्स हैं या फिर ऑयली स्किन है, उन लोगों के लिए काफ़ी अमेजिंग प्राइमर है। थोड़ा सा महंगा है, बट इट्स ओके, इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। ये छोटा सा पॉट भी काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है और आपके पोर्स को भी काफ़ी अच्छे से फिल इन कर देता है, फाउंडेशन बहुत ही स्मूथली ग्लाइड होता है। तो अब मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से अपने पूरे फेस पे, ताकि मेरा फाउंडेशन काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो और स्किन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लगे। तो आप देख सकते हो ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग, हाथों से ब्लेंडिंग। ओके, सो नाउ आई विल पुट ऑन माय फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है लैक्मे का ये फाउंडेशन, 9 to 5 फाउंडेशन। ये भी मेरा अगेन बहुत फेवरेट फाउंडेशन है। ये शेड भी मेरा एग्जैक्ट मैच है अपने फेस से। तो पहले मैं स्पैचुला से अपने फेस पे अच्छे से इसे स्प्रेड कर लूँगी, एंड देन आई विल यूज़ अ वेट ब्यूटी ब्लेंडर और फिर उसकी हेल्प से मैं अच्छे से अपने फेस पे इसे ब्लेंड कर दूँगी। ब्लेंडिंग के टाइम पे गाइज आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप अपना ब्रश या फिर जो आपका मेकअप स्पॉन्ज या ब्यूटी ब्लेंडर है उसको आप ड्रैग नहीं करोगे, आप उसे डैब डैब करके ब्लेंड करोगे, ताकि आपका जो फाउंडेशन है नेक पे, मैं इसलिए ड्रैग कर रही हूँ गाइज बिकॉज नेक पे इतनी ज़्यादा वो नहीं प्रॉब्लम होती है, मतलब नेक पे यूजुअली मैं ड्रैग करके ही लगाती हूँ, बट ऑन योर फेस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑलवेज डैब योर ब्यूटी ब्लेंडर एंड नॉट ड्रैग।
तो जैसे आप देख सकते हो मेरा फाउंडेशन काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। अब मैं कंसीलर अप्लाई करूँगी अगेन, इसे मैं अंडर आइज़ पे और अपने हाईएस्ट पॉइंट पे अप्लाई करूँगी कंसीलर को ये। और गाइज़ इसमें मैं आपको एक और टिप देना चाहती हूँ, जब भी आप कंसीलर अप्लाई करते हो उसके बाद जब आप उसे ब्लेंड करना स्टार्ट करते हो तो हमेशा अपने आईज़ से आपको कभी स्टार्ट नहीं करना चाहिए, हमेशा बाकी पार्ट्स को आपको पहले कंसीलर ब्लेंड करना चाहिए। बिकॉज़ यूजुअली क्या होता है, अगर आप आईज़ का पहले ब्लेंड कर दोगे और बाकी फेस पे बाद में ब्लेंड करोगे तो इतने में आपकी आईज़ के नीचे का जो कंसीलर है वो क्रीज़ हो सकता है। सो इसलिए हमेशा बाकी पार्ट्स को कंसील करने के बाद आईज़ की तरफ बढ़ना चाहिए एंड देन कंसील इट। और कंसील करने के बाद सबसे पहले जो आपको सेट करना है वो अपना कंसीलर अंडर आईज़ के नीचे सेट करना है, ताकि उसमें लाइन ना आए और वो आपका कंसीलर बढ़िया से सेट हो जाए और आपका मेकअप बिल्कुल फ्लॉलेस लगे। अब गाइज़ यहाँ पे मैंने अपने कंसीलर को सेट करने के लिए वेट एंड वाइल्ड का पैलेट लिया है। ये डुअल पैलेट है, इसमें एक तरफ आपका ब्रॉन्जिंग या कॉन्टोरिंग शेड और एक तरफ ये हाईलाइटिंग शेड है, कॉम्पैक्ट सेटिंग्स पाउडर आप कह सकते हो एक तरीके से। तो इस येलो बनाना पाउडर से, लाइक येलो बनाना शेड से, मैं अपने हमेशा अंडर आइज़ को और अपने हाईएस्ट पॉइंट को सेट करने के लिए यूज़ करती हूँ, ताकि वो अलग से हाईलाइट होता रहे, एक डायमेंशन बनी रहे मेरे फेस पे। तो मैंने यहाँ पे अपना फिटमी का अगेन ये कॉम्पैक्ट लिया है, जिससे मैं अपने बाकी पूरे फेस को सेट करूँगी। अब यहाँ पे मैं उसी सेम पैलेट में से ये जो थोड़ा डार्क शेड है इसे लेकर के अपने चीक्स को बिल्कुल लाइट कॉन्टोर करूँगी। और मैंने यहाँ पे ये एक फ्लफ़ी ब्रश लिया है, जिसको मैंने पिंच करके कॉन्टोर ब्रश की तरह यूज़ कर लिया है। दैट्स बिकॉज मेरा कॉन्टोर ब्रश नहीं मिल रहा है। सो ठीक है, जुगाड़ काम चलने से मतलब है, और इससे भी काफ़ी अच्छे से कॉन्टोर हो जाता है। ब्लश के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ अगेन ये मेबिलिन के फिट मी का ब्लश, एंड दिस इज़ इन द शेड रोज़। ये मेरा काफ़ी फेवरेट ब्लश है, इसे मैं अपने पूरे चीक्स पे अप्लाई कर लूँगी। ब्लश मैं काफ़ी भर भर के लगाती हूँ, बिकॉज आई एम अ फैन ऑफ अप्लाइंग ब्लशेस। ब्लश एंड लिपस्टिक ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनके बिना मैं अपने घर से स्टेप आउट नहीं कर सकती। सो या सो गाइज़, अब मैं सेम ब्रश को उसमें जो भी बची हुई थोड़ा बहुत ब्लश है उसको मैं अपने बाकी फेस पे भी हल्का हल्का लगा लूँगी। मैंने दोबारा डिप नहीं किया है ब्लश में, बट जो थोड़ा सा भी पिगमेंटेशन रह गई है उसे मैंने बाकी नोज़ पे ज़्यादा फोकस किया है, एंड चिन एंड अपने फोरहेड पे थोड़ा। दैट्स बिकॉज उसे काफ़ी नेचुरल लुक आता है। अब मैंने यहाँ पे हाइलाइटर के लिए यूज़ किया है ये वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर, और ये रोज़ गोल्ड शेड में है, काफ़ी प्यारा हाइलाइटर है। और हाइलाइटिंग यहाँ पे मैं अपना फ़ैन ब्रश, स्मॉल फ़ैन ब्रश से कर रही हूँ, अपने हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द चीक्स, अपने नोज एरिया, फोरहेड एंड चिन पे मैं हाईलाइट करूँगी, ताकि वो प्यारा सा ग्लो आ सके। यहाँ पे अपने लोअर लैश लाइन के मेकअप को कंप्लीट करूँगी, जिसके लिए मैं यहाँ पे लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन शेड को मिक्स करके हल्का हल्का अप्लाई कर लूँगी अपनी लोअर लैश लाइन पे, ताकि वो ऑड ना लगे। लोअर लैश लाइन पे हमेशा गाइज आपको लगाना चाहिए आई शेडो, ताकि वो बिल्कुल ऑड ना लगे। ऐसा नहीं है कि कोई मेकअप में कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते हैं कि नहीं लगाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, बट येस लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर लगता है आई लुक। एंड अगेन सेम हाईलाइटिंग शेड जिससे मैंने अपना ब्राउ बोन हाईलाइट किया था वो लेकर मैं अपने इनर कॉर्नर्स पे थोड़ा थोड़ा लगा लूँगी, ताकि आईज उससे थोड़ी ओपन अप लगें। अब यहाँ मैंने ये मस्कारा यूज़ किया है, मेबिलिन का हाइपरकल मस्कारा। ये वाटरप्रूफ वर्जन है इसका, आई गेस, आई डोंट रिमेम्बर, क्योंकि काफ़ी पुराना मस्कारा है। और इससे मैं अपने आई लैशेस को वो कर लूँगी, मस्कारा लगा लूँगी। आप देख सकते हो कितना वियर्ड फेस बनाया था मैंने, तो इसलिए मुझे हंसी आ गई। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू ब्राउज। ब्राउज के लिए यहाँ पे मैंने ये शुगर का ब्राउ प्रोडक्ट यूज़ किया। आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दिस पेंसिल, बट इट इज़ अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट। इसमें स्पूली भी आती है, तो आपको अलग से स्पूली लेने की, या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी है देन ऑल्सो यू डोंट नीड टू फाइंड इट, यू ऑलरेडी हैव दैट इन योर प्रोडक्ट, तो ये काफ़ी हैंडी हो जाता है।
वैसे मेरे आईब्रोज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फुलर हैं, बट स्टिल मैं थोड़ा थोड़ा जहाँ पे भी मुझे गैप दिखता है और बाकी मैं आउटलाइन कर लेती हूँ हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा मैं ब्राउज को फिल नहीं करती हूँ, आप देख सकते हो। सो गाइज, ब्राउज़ करते वक्त आपको ये भी बहुत ध्यान रखना है कि आपने प्रोडक्ट काफ़ी लाइट हैंड से लेना है, बिकॉज़ अगर आपने एक ही बारी में बहुत ही हैवी हैंड से प्रोडक्ट ले लिया तो वो बहुत सारा प्रोडक्ट एक ही बारी में लग जाता है और वो बहुत ही फेक लगता है एक्चुअली दिखने में। एंड हमेशा ब्राउज़ आप धीरे से बहुत ही स्लोली स्टार्ट करो, लाइट हैंड से प्रोडक्ट्स लो एंड धीरे धीरे आप उसको बिल्ड कर सकते हो, तो वो ज़्यादा नेचुरल लुक देता है। अब मैं दोबारा से वही सेम स्पूली से सारे प्रोडक्ट को अपने ब्राउ पे अच्छे से उसको ब्लेंड कर दूंगी, ताकि अगर कहीं पे भी एक्सेस प्रोडक्ट है तो वो सारा अच्छे से स्प्रेड हो जाए और एक्सेस प्रोडक्ट मेरी स्पूली में आ जाए। लिपस्टिक के लिए गाइज, यहाँ पे मैं शुगर की स्मज मी नॉट रेंज से ये लिक्विड लिपस्टिक ले रही हूँ इन द शेड ब्रिंक ऑफ पिंक। काफ़ी प्रिटी शेड है और इस लुक के साथ मुझे ऐसा लगता है ये काफ़ी अच्छे से ये शेड जा रहा है। सो अब गाइज, मैं यहाँ पे सिंदूर अप्लाई कर लूँगी। ये आई थिंक लोटस का सिंदूर है, मुझसे थोड़ा सा टेढ़ा लग गया था, बट इट्स ओके, नेवर माइंड। मैंने लैशेज और बिंदी जो है वो ऑफलाइन अप्लाई कर ली है। एंड नाउ टू फिनिश दिस लुक, मैंने यहाँ पे अपने मेकअप को सेट करने के लिए ये स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर यूज़ किया है, जो अगेन मुझे काफ़ी पसंद है। और इसे अप्लाई करने के बाद मैं उसी सेम वेट स्पॉन्ज से अच्छी तरीके से इसे ब्लेंड कर दूँगी अपने फेस पे, ताकि जो भी पाउडर प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे आपस में मेल्ट हो जाएँ। And yeah, that's it for the look. I hope you guys liked it. And if you did, then please don't forget to hit that subscribe button if you haven't already. And press that notification bell also. Milti hu main aapse apni next video mein. Till then, take care. Bye-bye.